वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज़, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। वैसे अगर दो भाइयों के बीच रिश्तों की बात आती है तो सबसे पहला नाम हमारे मुंह पर आता है, वो है सनी देओल और बॉबी देओल। दरअसल आपको बता दें कि सनी अपने भाई बॉबी देओल से बेहद प्यार करते हैं और उनका साथ भी देते दिखते हैं, लेकिन कम ही लोग ऐसा जानते हैं कि एक बार सनी अपने इस भाई पर हाथ भी उठा चुके हैं। और ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि असल ज़िंदगी की बात है। दरअसल हम बात कर रहे हैं साल 2005 में के बारे में, जहां बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र करते हुए बताया था कि उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल का था, मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा था और मेरी ट्यूशन टीचर ने भैया से मेरी शिकायत की थी। मुझे आज भी याद है, तब उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, उसके बाद उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। इसके अलावा बॉबी ने यह भी बताया कि सनी अपने कपड़े किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करते, लेकिन बॉबी उनके कपड़े पहन लिया करते थे। उन्होंने कहा कि मुझे याद है, मैं 10वीं क्लास में था और अपनी फेयरवेल पार्टी के लिए मैंने भैया की अलमारी से निकाल कर ग्रीन जीन्स, ग्रीन शर्ट और लेदर टाई पहनी थी। अब बॉबी देओल के इस बयान पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।